पत्रकार पूछ रहे थे, साहब भाजपा आज इकट्ठी हो रही है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, क्या आज आपने मन बना लिया है कि अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंके? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अशोक गहलोत को न तो इस बार बहुमत मिला था न पिछली बार बहुमत मिला था। जुगाड़ की सरकार हर बार बनाते हैं, 99 के चक्कर में थे और 99 के चक्कर से बाहर लाने के लिए राजेंद्र गुड़ा के साथ में बसपा का साथ लिया और वो आज राजेंद्र गुड़ा उस लाल डायरी को लिए लिए घूम रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया, धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। दूसरी बार जब सचिन पायलट ने आवाज उठाई उसका यूज किया, किसानों का यूज किया, नौजवानों का यूज किया। अशोक गहलोत की आदत रही है यूज एंड थ्रो। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये संकल्प ले चुके हैं, माने प्रधानमंत्री जी की जितनी भी रैलियां हुई हैं, चाहे वो भीलवाड़ा की रैली थी, वो बीकानेर की रैली थी, जितनी भी रैलियां अभी सीकर के अंदर लाखों की संख्या के अंदर लोगों ने जो हुंकार भरी थी, उसके बाद का सबूत है कि राजस्थान के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता नहीं बल्कि राजस्थान की जनता जाग उठी है। और जो छल किसानों के साथ किया था, जो छल नौजवानों के साथ किया था, उसका बदला लेने के लिए आज राजस्थान का जवान और राजस्थान का किसान अवसर की तलाश में है। जब भी मौका मिलेगा वोट के कारण और हर प्रकार से इस अशोक गहलोत को उखाड़ करके फेंक देंगे। और लाल डायरी में क्या क्या छिपा हुआ है ये सारी की सारी जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में एक एक चीज को देखा जाएगा। और भ्रष्टाचारियों को, जैसे माने प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार करने वालों को जगह मिलेगी, जेल में मिलेगी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए संकल्पबद्ध होकर के आज सारे के सारे लोग, मैं आपसे निवेदन कहता हूं, सचिवालय का घेराव तो हो चुका है, आज सचिवालय के चारों तरफ लाखों की संख्या में लोग खड़े हैं और ये कांग्रेस की सरकार यहां तक उनको पहुंचने नहीं देती है। चाहे वो टोंक रोड हो, चाहे सीकर रोड हो, चाहे अजमेर रोड हो, चारों तरफ से लाखों की संख्या में लोग सड़कों के ऊपर जमे हुए हैं और सचिवालय तो घिर चुका है। अब केवल हुंकार देने की आवश्यकता है और आशा करूंगा कि आप सब लोग हुंकार भर के अशोक गहलोत को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे